मैं सलीम और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप। सरबस्ते में उस वक्त क्षेत्र में सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव खेत में मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि युवक की बीती रात में अपने खेत में गेहूं की बुआई करने गया था, जहां से लौटकर वापस नहीं आया और सुबह उसकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में उसके खेत में पड़ी मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना थाना मल्लीपुर के कथरा माफी के कटोहला गांव के, जहां पर बीती रात 28 वर्ष बंसीलाल यादव ने अपने खेत में गेहूं की बुवाई करने गया था, लेकिन देर रात तक जब घर वापस नहीं लौट कर आया तो परिवार के लोगों ने बंसीलाल को तलाश शुरू की, लेकिन रात बीत जाने के बाद भी लाश नहीं मिली। आज सुबह 11 बजे उसकी लाश उसके खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है। यूपी लाइव 100 न्यूज से भुजो अहमद के साथ जुबेर खां की रिपोर्ट। मामला है बुरा, बताएं। मामला ये कि खेत बोए हैं गेहूं, साहब अपन जोत में होते तो कोई समरोह दादा बोए जो वो के फंसिया बोवा हैं, वो तो हम के जाए बोला ले बैठा ट्रैक्टर से सब रुपया दिया हैं, गवाह है बलावे तब ही खतरा साहब भा है। किसके ऊपर शक है? बचन के वर्मा। शक किसके ऊपर है? वही बचन के ऊपर। ट्रैक्टर वाले के नाम बताओ तो क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? मारा गया है कि अब मारा नहीं गया है? कचरा से कचरा है, कचरा है लाए खेते में हमरे बहन हूं। नहीं भा भैया, खेत बोए गए रहा और खेत अपन बोए दिहिन और वो ट्रैक्टर लेके दूसरे के जुला के खेत बो चला गा, तब हुआ गए कहीं की जय बलाई लाई, तब कोई जोतेगा तो मयावे लागे, वही मयावे के समय पर हन वही सरावन के तरह वो कचरगा घसीट के मरगा, तब लाए है ट्रैक्टर घरे खड़ा करके, तब का गया है खींच के लाए हैं यहाँ खेते में हमरे बहन ही। चलो क्या लग रहा है, मारा गया है कि क्या है? नहीं मारा नहीं गया, उसका सरावन से मारी नहीं। हत्या हुई है? हाँ हाँ, टूटा।